आलोक मौर्य द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच हुई शुरू हो गई। आलोक जांच कमेटी के सामने ज्योति के खिलाफ 28 अगस्त तक सबूत पेश करेंगे। आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। पहले तो ज्योति ने कानूनी लड़ाई शुरू करते हुए प्रयागराज के धूमनगंज थाने में आलोक के खिलाफ कई मामलों में शिकायत दर्ज कराई, फिर आलोक से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी भी दाखिल कर दी। इन सबके बीच आलोक ने भी अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से लिखित शिकायत की है। इसी आधार पर शासन ने जांच की जिम्मेदारी प्रयागराज के कमिश्नर को सौंपी थी। अब इस मामले में कमिश्नर ने एक जांच कमेटी बनाकर एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच को शुरू कर दिया है। आलोक की शिकायत के आधार पर बीते दिन प्रयागराज कमिश्नर द्वारा बनाई गई जांच कमेटी ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया था। बताया जा रहा है कि जांच कमेटी ने आलोक से पूछताछ की, एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ जो आपने शिकायत की है उसका कोई सबूत आपके पास है क्या? दरअसल आलोक ने अब पत्नी ज्योति पर लाखों रुपए की अनियमितता का आरोप लगाते हुए कुछ दस्तावेज पेश किए हैं।